नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आए हैं दीपावली के उपलक्ष्य में। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ में जुड़े हुए निशान सर और यादव सर भी, मैं बताना चाहूंगा कि अगले ये जो फेस्टिव सीजन अभी चल रहा है, जो 2-3 दिन क्लासेज होंगी, उसकी रूपरेखा थोड़ी सी चेंज की गई है। दीपावली का समय, खूब मस्ती करने का, देखिए ये सब चीज ना चलता है, सब मोह माया है। खूब मस्ती करो, खूब फटाका फोड़ो, ये एक दिन फटाका फोड़ने से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, ठीक है, खूब छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। दीपावली दीप ज्योत होता है, मन के अंदर जो मस्तिष्क के अंदर जो प्रकाश की ज्योत है वो जलाइए। और ये आपके विचार 67 बीपीएससी और बिहार दरोगा दोनों के लिए हिमालय के समान अडिग, अदम्य और अविचल होना चाहिए कि सिलेक्शन लेना है तो लेना है। अगली दीपावली सिलेक्शन के साथ मनाएंगे। लीजिए सर, निशान सर, आप कुछ बच्चों से कहना चाहेंगे? बच्चों, सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फेस्टिवल हम लोग क्यों मनाते हैं? तो अपने आप को री एनर्जाइज्ड करने के लिए, ताकि फिर से हमें वापस वो ऊर्जा मिल सके। इतने दिन से सारी चीजें चल रही होती हैं, ये फेस्टिवल क्या करता है, हमें फिर से ऊर्जावान बनाता है। तो फिर से नई ऊर्जा का संचार कर करके इस दीपावली के बाद हम लोग सिलेक्शन तक फिर उसी ऊर्जा के साथ चलते हैं। और अगली दिवाली में आप लोगों के साथ में जरूर से मनाते हैं, आप लोगों के सिलेक्शन और सफलता के साथ। इसी के साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि दिवाली और छठ, इन दोनों को बहुत अच्छे से मनाइए, अपने आप में फिर से ऊर्जा का संचार कीजिए और सारी चीजों को फिर से मनाइए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यादव सर से। धन्यवाद। आप सभी लोगों को एक बार पुनः नमस्कार। और आज धनतेरस के साथ साथ दीपावली की भी बहुत बहुत आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दीपावली के दीपों की तरह आप लोगों का भी जीवन कहीं ना कहीं जगमगाता रहे, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आप लोग हमेशा प्रसन्न रहें। और जैसा कि सर ने कहा कि फेस्टिवल कहीं ना के, अमन सर ने भी कहा, निशान सर ने भी यही कह रहे हैं कि जो भी करो कुल मिला के कहीं के एकदम पूरी तरीके से डूब कर करो। मैं बार बार कहता रहता हूं, कहीं के राहत इंदौरी साहब के मुझे शेर याद आता है कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी, हम अपने जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरा फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, और जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो कहने की जंग भी हो चाहे इश्क हो, एकदम भरपूर करो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप फेस्टिवल में जा रहे हैं, बहुत उत्सव, जैसा कि सर ने कहा, दीपावली और छठ का त्यौहार धूमधाम से मनाइए। थोड़ा बहुत समय बचे तो कहने के किताबों के साथ भी संपर्क बनाइए। और आप सभी लोगों को दीपावली की कहीं ना कहीं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप लोगों का जीवन दीपावली के दीपों की तरह जगमगाता रहे। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप लोग यहां पर एक आए हैं तो एग्जामपुर परिवार के साथ जुड़कर आप लोग एक नई मिसाल बनाइए। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूं कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहां जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, जिंदगी जियो कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। तो हम लोगों को मिसाल बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों को एक बार नमस्कार करता हूं। शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।